कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में से एक बड़ा चेहरा ऐसा भी है जो संजय गांधी के दोस्त रह चुके हैं। इन्होंने संजय गांधी के साथ काफी समय बिताया है। स्कूल के दिनों में किसे पता था कि संजय गांधी के साथ की हुई दोस्ती सियासत तक जाएगी। बस फर्क इतना रह जाएगा कि संजय गांधी इस दुनिया में नहीं रहेंगे, लेकिन वो दोस्त राजनीति में इतिहास रच देगा। जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष कमलनाथ हैं, जो आज की इस रिपोर्ट में हम आपको कमलनाथ के सियासी सफर के बारे में बताने जा रहे हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश में 28 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है। और एक बार फिर से 15 सालों से बीजेपी जहां मध्य प्रदेश में काबिज है, इसकी जड़ को उखाड़ने के लिए कांग्रेस ने हुंकार भर लिया। और इस मौके पर आपको कमलनाथ की उन तमाम सियासी सफर के बारे में बताएंगे जिसके लिए वो जाने जाते हैं। कमलनाथ का जन्म साल 18 नवंबर 1946 को उत्तर प्रदेश के औद्योगिक शहर कानपुर में हुआ था। देहरादून के दून स्कूल से पढ़ाई करने के बाद कमलनाथ ने कोलकाता के सेंट जेवियर स्कूल से उच्च शिक्षा हासिल की। जी हाँ, बहुत ही कम उम्र में उन्होंने लोकसभा में अपनी जगह बना ली थी। महज 34 साल की उम्र में कमलनाथ छिंदवाड़ा से जीतकर पहली बार लोकसभा पहुंचे थे। कमलनाथ इकलौते ऐसे नेता हैं जो चुनाव अभियानों के लिए हेलीकॉप्टरों और सैटेलाइट फोन इस्तेमाल के लिए जाने जाते हैं। आपको बता दें कि भले ही कमलनाथ आज मध्य प्रदेश के कांग्रेस से प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन सब के बावजूद वो मध्य प्रदेश से सिर्फ उनका राजनीतिक रिश्ता है। जी हाँ, सिर्फ राजनीतिक रिश्ता ही है उनका मध्य प्रदेश से, लेकिन कमलनाथ पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। बताते चलें कि संजय गांधी और कमलनाथ की दोस्ती के किस्से आज भी राजनीतिक गलियारों में हॉट टॉपिक्स में एक अलग ही रूप में जाने जाते हैं। कहा जाता है कि दोनों की दोस्ती भले ही दूर से शुरू हुई, लेकिन सबसे ज्यादा करीबी कमलनाथ गांधी परिवार के उस वक्त आई जब संजय गांधी का निधन हो गया। तब कमलनाथ ने गांधी परिवार को बहुत अच्छे तरीके से संभाला और इनके सियासी करियर को आगे बढ़ाने के लिए अपना पूरा योगदान दिया। और बचपन की दोस्ती का सिला तब से वो देते ही आ रहे हैं, यानी कि संजय गांधी से जो भी उन्होंने वादा किया था वो अभी तक निभाते आ रहे हैं। कि एक दोस्त होने के नाते हर एक मुश्किल घड़ी में वो अपने दोस्त के परिवार को, अपने दोस्त की पार्टी को, अपने दोस्त के सियासी जो कुनबा चला आ रहा है, जो विरासत मिली है, इसको हर दम हर कदम साथ देंगे। और कमलनाथ ने वही किया है। कमलनाथ कांग्रेस के ऐसे नेता हैं जिनके दामन पर आज तक कोई दाग नहीं लगा है। बहुत ही साफ सुथरी छवि वाले नेता हैं, लेकिन एक बार ऐसा हुआ था जब इन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था और वो मामला था हवाला कांड। इस कांड की वजह से साल 1996 में कमलनाथ आम चुनाव नहीं लड़ पाए थे और तब पार्टी ने उनकी जगह उनकी पत्नी अलका को टिकट दिया था, जो कि भारी मतों से विजयी हुई थी। फिर क्या कहते हैं कि कभी कभी जीती हुई बाजी इंसान बड़ी आसानी से हार जाता है, और वही हुआ था कमलनाथ के साथ, क्योंकि उस वक्त वो लालच के चलते अपने दिमाग का प्रयोग नहीं कर पाए थे। कमलनाथ ने एक साल बाद जैसे ही जेल से बाहर हुए, वैसे उनकी पत्नी ने छिंदवाड़ा की सीट से इस्तीफा दे दिया और कमलनाथ ने वापस वहां से चुनाव लड़ा। लेकिन इस बार तो पासा पलट ही गया था। जी हां, लाख कोशिश करने के बावजूद कमलनाथ को हार का सामना करना पड़ा था और इनको हराने वाला कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के सुंदरलाल पटवा थे, जिन्होंने भारी बहुमत से कमलनाथ को हरा के हार का रास्ता दिखाया था। हालांकि उनका नाम साल 1984 के पंजाबी दंगों में भी उछला था, लेकिन कोई भी अपराध उनका सिद्ध नहीं हो पाया था। बताते चलिए, कमलनाथ एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने जनता के लिए दिल से सोचा है, जनता के लिए बहुत से काम किए हैं और जनता के लिए किए गए कामों के चलते ही 1980 में छिंदवाड़ा की जनता ने कमलनाथ को 7वीं लोकसभा पहुँचाया था। जी हाँ, बहुत से ऐसे नेता होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लालच में जनता से बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं, जनता के लिए काम करते हैं, लेकिन कमलनाथ कांग्रेस में या फिर ये कहें कि इन तमाम राजनीतिक दलों में इकलौते ऐसे नेता हैं जिन्होंने वाकई जनता के लिए काम किया है, जो कि जनता के लिए दिल से सोचते हैं, जनता के लिए जमीन से जुड़ी उन तमाम कोशिशों को पूरा करते हैं जो कि एक जनता को चाहिए होता है। जो जनता एक नेता के अंदर छवि देखती है, वो छवि कमलनाथ के अंदर छलकती है। बताते चले कि मूल रूप से छिंदवाड़ा एक आदिवासी इलाका माना जाता है और कमलनाथ ने यहाँ लोगों को रोजगार दिया, आदिवासियों के उत्थान के लिए कई काम किए और ये काम का सिला ये है कि आज छिंदवाड़ा हो या फिर मध्य प्रदेश हो, कमलनाथ की एक अलग ही छवि नजर आती है। अगर आदिवासियों का जिक्र हो रहा है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारे देश में जितने भी आदिवासी इलाके हैं वहाँ पर अभी तक कोई विकास नहीं हो पाया है, और खास करके मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में। ये कैसे जिले हैं, ये ऐसे
राज्य है जहाँ पर आज तक आदिवासियों को लेकर के विकास की सिर्फ बातें की जाती हैं और जमीनी हकीकत पर वो सिर्फ विकास की जो बातें हैं वो कागजों तक सिमट के रह जाती हैं। असलियत में विकास नहीं हो पा रहा है, फिर वो रोजगार को लेकर के हो, महंगाई को लेकर के हो, शिक्षा को लेकर के हो, स्वास्थ्य को लेकर के हो या फिर उनके काम काज को लेकर के हो। लेकिन कमलनाथ ने जिस तरीके से आदिवासियों की बातों को सुना, उनका उद्धार किया, इसी का नतीजा है कि कमलनाथ आज मध्य प्रदेश के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद पर तैनात हैं। कमलनाथ के बारे में एक और बड़ा किस्सा दिलचस्प है, वो ये है कि कमलनाथ एक जाने माने नेता तो हैं ही, साथ ही साथ बिजनेस टाइकून भी हैं। कमलनाथ 23 कंपनियों के मालिक हैं और इस 23 कंपनी को उनके दो बेटे चलाते हैं। बताते चलें कि मध्य प्रदेश में 28 नवंबर को 230 विधानसभा सीट पर इलेक्शन है और इसके नतीजे 11 दिसंबर को आएंगे और इलेक्शन के लिए बीजेपी वर्सेस कांग्रेस कांटे की टक्कर है। आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि आखिर यहां पर किसका परचम लहराता है। एसपीएन न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।